दोस्तों, तो यहाँ से शुरू होती है सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा बिजी था इन दिनों में, तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। शायद ये वीडियो मेरा 20 या 25 दिन के बाद आ रहा है। आई विल मेक श्योर टू बी फ्रीक्वेंट और जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कर सकूँ आपके लिए। मैंने अपनी टियागो बेच दी है, तो मैं निक्सॉन लेने वाला हूँ। मैंने बुक भी कर दी थी, लेकिन डीजल वेरिएंट अभी अवेलेबल नहीं है, पेट्रोल मिल रहा है, तो मैं एक्सएम डीजल लेने का प्लान कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत नैरो रोड है, और जो रोड की कंडीशन थी बिल्कुल टारमैक नहीं है। फिर भी टियागो ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। शायद यहाँ से हमें आधा घंटा और लगेगा जो मेन विलेज। हम लोग दांतू विलेज पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको रास्ते की बात बताता हूँ। काफ़ी सारी अच्छी जो जगह हमें देखने को मिली, काफ़ी अच्छे सीन देखने को मिले, और काफ़ी छोटे छोटे गांव भी हमें देखने को मिले जो पूरी तरह खाली थे, क्योंकि नवंबर के महीने में यहाँ पे माइग्रेशन हो जाता है, बहुत बर्फ़ पड़ती है, इसलिए लोग टाउन पे चले जाते हैं। और जो सुनसान घर हैं और उनके जो दरवाजे हैं, वो मानो पुकार रहे हो अपने मालिक को कि आप वापस आ जाओ। तो यही है गांव की स्टोरी, यहाँ पे लोग ऐसे ही रहते हैं। और इस गांव में हमें रास्ते भर एक या दो लोग मिले होंगे एक गांव में, वो भी वो इसलिए रुके थे, उन्होंने छोटी छोटी दुकानें खोल रखी थी पैसे कमाने के लिए। तो जहाँ हम गए थे दांतू विलेज में, वहाँ पे तो एक दुकान भी नहीं थी, काफ़ी खाली था, यहाँ पे एक भी बंदा नहीं था। और ये जो घर है सब ऐसे बंद पड़े हैं, इनके दरवाजों पे ये झाड़ सी लगाई है, क्योंकि भालू आते हैं, बेयर आता है विंटर में, तो ये लोग यहाँ पे ऐसे झाड़ लगाते हैं ताकि जो बेयर है, जो भालू है, दरवाजों को ना तोड़े, अंदर ना घुसे। और जैसे कि मैंने बताया था, पूरे गाँव के गाँव खाली पड़े हैं, काफ़ी लोग स्टडी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए बाहर हैं, और जो यहाँ पे इक्का दुक्का जो लोग हैं वो विंटर पे रह नहीं सकते। जैसे कि मैंने बताया था, पानी हमें लगा था कि पानी नहीं होगा, वास्तव में पानी बंद है। तो ये हमारी दूसरी प्रॉब्लम है कि अब हमें दोबारा वापस उस नदी पे जाके वहाँ से पानी लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ 2 दिन रुकना है, खाना बनाना है, और बर्तन वगैरह भी धोने पड़ेंगे।
और सामने आपको पंचाचूली दिख रहा है जो मेन अट्रैक्शन है। काफ़ी सारे जो विजिटर्स हैं इस पंचाचूली की वजह से आते हैं। और दांतू पे जो हमारा ये घर है बिल्कुल पंचाचूली के सामने है। और इस जो बगल में होम स्टे बनाने का प्लान है, जो हमारे भाई बिरादर लोग हैं होम स्टे बनाने वाले हैं, अगर फ्यूचर में आपका प्लान होता है वहाँ जाने का तो आप उस होम स्टे पर रुक सकते हैं, काफ़ी अच्छा बनने वाला है। और ये घर है जहाँ पे हमने खोल के सफाई वगैरह कर ली है, और यहाँ से सीधे पंचाचूली दिखता है, और यहाँ से व्यू पंचाचूली का काफ़ी स्टनिंग है। तो अभी हम जा रहे हैं पानी लेने, क्योंकि पानी नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जहाँ से नीचे हमने नदी क्रॉस की थी वहाँ पे जाना पड़ेगा। हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, पैदल काफ़ी दूर है। तो यहाँ से पानी भरने के बाद फिर हम लोग वापस कुकिंग वगैरह करेंगे और बर्तन वगैरह पहले साफ करेंगे। और ये है मेरी टियागो, बिल्कुल नेचर के बीच में खड़ी है। और हमने करीब 4 या 5 कैन पानी भर लिया था, क्योंकि सुबह फ्रेश भी होना पड़ता है और रात को खाना भी बनाना है। रात को खाना खाना, सुबह का ब्रेकफास्ट भी हमें चाहिए होगा। और जैसे ही हमने किचन वगैरह साफ़ किया है, यहाँ पे मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं था, जो मेरे साथ मेरा ब्रदर इन लॉ था उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था। तो हमने यह लकड़ी यहाँ पे आग लगाई और सबसे पहले हमने चाय बनाई, क्योंकि काफ़ी ठंड थी यहाँ पे। और चाय पीने के बाद फिर हमने पानी को गर्म किया, उसके बाद बर्तन वगैरह धोए, फिर हमने डिनर बनाना शुरू किया यहाँ पे। और काफ़ी डिलीशियस डिनर था, कि पहाड़ों पे पानी काफ़ी अच्छा होता है, तो जो खाना बनता है वो वास्तव में काफ़ी यमी होता है। जैसे आपने पहाड़ों पे मैगी खाई होगी वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो धीरे धीरे रात हो चुकी थी और हम लोग सो गए। दोबारा मिलते हैं आपको सुबह। और यहाँ की जो सुबह थी काफ़ी शानदार थी। सुबह उठे हमने पानी गर्म किया, क्योंकि रात के जो बर्तन थे वो धुलने थे। उसके बाद बर्तन धोने के बाद हमने मैगी वगैरह बनाई। और ये हमारा बिस्तर का रात का, क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है तो हमने जैसे तैसे बिस्तर लगाया। सुबह काफ़ी अच्छी है, शायद अभी 6:30 या 7 बज रहे होंगे सुबह के। और गर्म गर्म चाय इस ठंड में, वाह अमेजिंग। और हमने जो हम जो ब्रेड लेके आए थे उसको भी गर्म किया, हमने टोस्ट किया बटर वगैरह लगा के। यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया है और व्यू जो सामने था, मन कर रहा था कि उससे नजरें ना हटे। और चलिए आपको गांव दिखा देते हैं। इस गांव का नाम है दांतू और दिखने में बहुत खूबसूरत है। और आज का हमारा प्लान है जो लास्ट विलेज ऑफ इंडिया जो कुमाऊं में पड़ता है, क्योंकि गढ़वाल में माना है कुमाऊं पे सीपू जो लास्ट विलेज ऑफ इंडिया पड़ता है, उसके बाद टिबेट शुरू हो जाता है। उससे पहले हम लोग ऊपर मंदिर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे एक ट्रेडिशन है कि जब भी आते तो मंदिर पे आपको विजिट करना पड़ता है, वहाँ पे पूजा वगैरह करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ऊपर हम पहले विजिट करेंगे, पूजा वगैरह करेंगे, उसके बाद हम लोग लास्ट विलेज की तरफ जाएंगे। तो अभी हम निकल चुके हैं द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया इन कुमाऊं, इसको सीपू बोलते हैं।
पूरे सीपू तक गाड़ी नहीं जाती है, सीपू के लिए हमें 2 घंटे का ट्रैकिंग करना पड़ेगा। और जो आपको आगे दिख रहा है वो जो पहाड़ है इंडिया का, उसके बाद आगे टिबेट शुरू हो जाता है। तो जो आपको टॉप पे दिख रहा है जो पहाड़ के नीचे ब्राउन जो पहाड़ है उसके नीचे, वो डिफेंस का कैंप है, ITBP का कैंप है। इसके आगे गाड़ी अलाउड नहीं है और हमें पिक्चर लेना भी अलाउड नहीं है। मैं देख लो कोशिश करूँगा अगर फ़ोटो मिल जाता है। ये सेकेंड लास्ट विलेज है सीपू से पहले, और सीपू इसके बीच में जो पहाड़ दिख रहा है बीचों उसके जड़ पे सीपू है, और जो आपको पहाड़ दिख रहा है वो इंडिया का न्यू टिबेट का है। तो यहाँ तक शायद फ्यूचर में रोड बन सकती है सीपू तक, अगर ऐसा होता तो मैं दोबारा ज़रूर ट्रैवल करूँगा यहाँ पर। तो वहाँ पे विलेज हमें अलाउ नहीं किया गया क्योंकि सब लोग माइग्रेट कर चुके थे, तो डिफेंस वालों ने अलाउ नहीं किया क्योंकि रिस्क उनका होता है। तो जब लोग यहाँ पे होते हैं गांव पे तो आपको अलाउ किया जाता है, अगर गांव पे कोई नहीं है तो आपको अलाउ नहीं किया जाता है। मैं लोकलाइट हूँ फिर भी मुझे अलाउ नहीं किया। अगर आप लोग कहीं बाहर से आते हो तो आपको परमिट लेना पड़ता है, धारचूला जो टाउन है वहाँ से परमिट लेना पड़ता है यहाँ पर आने के लिए। अब दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि लास्ट विलेज हम देख नहीं पाए, तो हमारा प्लान समझ में नहीं आ रहा था हमें, मौसम भी ख़राब हो रहा था। और यहाँ पे जैसे ही मौसम ख़राब होता है कभी भी बर्फ़ पड़ सकती है, अगर यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई हम लोग रुके तो काफ़ी टेंशन हो सकती है। और ये जसूली लला, दैट मीन्स जो ग्रांड मदर, उसको लला बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, तो इनकी मूर्ति है। इन्होंने काफ़ी पुण्य के काम किए हैं, इन्होंने काफ़ी धर्मशालाएं बनाई हैं अल्मोड़ा में, हल्द्वानी में, काफ़ी जगह रास्ते पे इनका जो बनाया हुआ धर्मशाला है वो अभी तक है। और ये हम गूंज की बात कर रहे हैं, ये गूंज जो है ये NGO है, ये जो लड़के हैं यहाँ पे वो लोग माउंट ट्रेनिंग ट्रैकिंग वगैरह करने आए हैं, और साथ में इन्होंने प्लेज लिया है कि जितने भी गंदगी वगैरह है ये लोग पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जगह जगह पे जहाँ गंदगी पड़ी है यहाँ पे वो लोग उठा रहे हैं। और फाइनली रात हो चुकी थी तो हमें डर था कि बर्फ़ न पड़ जाए, लेकिन किसी तरह हमने कहा देखी जाएगी, तो हम लोग इस रात को यहाँ पर स्टे करेंगे। तो खाना वगैरह हमने बनाया और उसके बाद बस दुआ की कि कल मतलब रात को बर्फ़ ना पड़े, वरना गाड़ी यहाँ पे अटक जाती, हम भी यहाँ पे अटक जाते। का नज़ारा वास्तव में काफ़ी खूबसूरत था। हम लोग 9 बजे करीब यहाँ से निकल चुके थे अपने टाउन की तरफ, तो हमारे साथ अगेन ये इशू था कि जो नदी थी, क्योंकि जो ग्लेशियर से पानी आता है अगर पानी ज़्यादा बड़ा होगा तो हमें टेंशन हो सकती है, तो ये विचार हमारे दिमाग में था। और अगर वहाँ पे JCP भी दिख नहीं रहा, अगर JCP वहाँ पे नहीं होगा तो शायद हम लोग अटक सकते हैं यहाँ पे। तो हमने हिम्मत की और हिम्मत करके हम लोग आगे बढ़ गए, और अगेन सेम जैसे कि आपको वीडियो पे दिख रहा है, हमको इसका लेवल नीचे जो पानी के नीचे कितना वो दिख नहीं रहा, अगर बड़ा पत्थर आया तो हम अटक सकते थे। जिसका डर था वही हुआ, बीच में एक बड़े पत्थर में गाड़ी हमारी यहाँ पे झूल गई थी जैसे कि आपको वीडियो पे दिख रहा है, और मैं काफ़ी टेंशन पे आ गया था कि JCB हमें दिख नहीं रही थी जो नदी के उस पार, इसका मतलब है गाड़ी अटक जाती यहाँ पे तो हमें काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता। लेकिन इसे कहते हैं टियागो की पावर, आई रियली लव माई टियागो। मैंने एक बैक गियर मारा है और उसके स्टेयरिंग को मैंने लेफ्ट हैंड साइड को टर्न किया, उसके बाद थोड़ा सा एक्सेलरेटर दिया है, गाड़ी आराम से मक्खन की तरह वहाँ से निकली है। तो
दोस्तों ये ट्रिप काफ़ी शानदार रहा है, काफ़ी मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ा, काफ़ी चैलेंजेस हमारे सामने आए, लेकिन टियागो के साथ मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था और वो जितनी भी मुसीबतें आई हैं, जितने भी हर्डल्स आए, वो हमने बहुत अच्छी तरह पार किया है। और जितना भी लिटर हमने जो जमा हुआ था, जो हमारा वेस्ट है, उसको हमने फेंका नहीं, उसको जमा करके हम ले आए थे। तो टाउन में जो बड़ा सा डस्टबिन है जहाँ पर फेंका जाता है, वहाँ पर हम इसको फेंकेंगे। तो ये जो जर्नी रही है काफ़ी अच्छी रही है, इसमें एक नया एक्सपीरियंस मेरे जो जर्नी है मेरे ट्रिप पे ऐड हो गया है। तो होप कि दोबारा यहाँ आने का मौका मिले, और जैसे कि कहते हैं ना कि अगर रात होती तो सुबह भी ज़रूर होती है, तो ये एक ट्रिप था जो मेमोरेबल था, और अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे ऐसे ट्रिप करने हैं, बहुत सारी ऐसी जगह को हमें एक्सप्लोर करना है, हमें साथ देखना है, साथ घूमना है। तो यही सब मन में लिए हुए दोबारे आपसे मिलते हैं किसी ऐसे ही अमेजिंग ट्रिप में। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बी हम्बल, बी पोलाइट, टेक केयर सर, बाय बाय।